प्लांट लग रहा है, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली वो ये है कि ये लोगों का जो स्वास्थ्य है इसको कहीं ना कहीं गलत रूप में प्रभावित करता है, कुप्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो इन लोगों का तर्क ये भी रहा कि हम फिल्टर लगा देंगे, लेकिन हम लोगों ने कई सालों से देखा है कि जहां फैक्ट्रियां लगी है वहां पे नदियां बह रही है, तो फिल्टर लगने के बाद भी नदियां दूषित होती है, तो यहां पे वायु प्रदूषण होगा और पूरे के पूरे क्षेत्र के लोगों का ये मानना है हम इसके खिलाफ हैं। चाहे कोई दल, चाहे कोई पक्ष, कोई विपक्ष, कुछ भी नहीं, हम सब मिलकर सामूहिक रूप से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ऐसा मानना है। कंपनी के जनप्रतिनिधि जो प्रतिनिधि है इनसे हमारी बात हुई है, हमने उसको स्पष्ट ये बोल दिया है कि हम आज के बाद आपको यहाँ से जाने का रास्ता देखना है, आप कितने दिन में क्या करते हैं ये आप अपनी सूरत जो है हमारे चार पांच छह लोग तय किए उनको बता दें, लेकिन इस बात में कोई शक शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हम इस प्लांट को यहाँ नहीं लगने। विरोध के चलते आज से दो महीने पहले भी 12 तारीख को यहीं इसी प्रांगण में प्रस्ताव रखा गया था कि आप सभी चल के हमारी आधुनिक परियोजनाओं को देखें जिनमें ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, लेकिन गांव वालों का ये कहना था कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी को देख के आए हैं जिसमें वास्तव में प्रदूषण होता था, लेकिन अभी के जो मापदंड हैं वो प्रदूषण रहित हैं, जिसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार और पर्यावरण मंत्रालय तीनों की एनओसी लेने के बाद ही हमें ये परियोजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई है। इसमें बाहर की एजेंसियां नॉर्वे और फिनलैंड ये दोनों देशों भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी यहाँ मशीनें प्रयोग में की जाएंगी। प्लांट लगने या नहीं निर्णय लेकर मैं स्वतंत्र अभी नहीं हूँ, सक्षम भी नहीं हूँ। जो मुझे यहाँ प्रतिनिधियों ने बात कही है, चेतन डूडी जी ने और गाँव के प्रतिनिधियों ने, वो बात मैं अपने सक्षम अधिकारियों तक पहुँचाऊंगा और जो भी निर्णय होगा वो यहाँ सरपंच साहब के माध्यम से आप गाँव लोगों को और मीडिया को मालूम होगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले छः महीने से इस प्लांट के बारे में क्षेत्र के लोगों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही है और सभी लोगों ने इस प्रकार के जो प्लांट लगे हुए हैं उनका अध्ययन करने के बाद में, इनको देखने के बाद में ये निश्चित किया है कि इस प्रकार के जो लगने वाले प्लांट हैं उनसे बहुत ही भयंकर प्रकार का प्रदूषण होता है, पूरा वातावरण दूषित होता है और लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार का जो कुप्रभाव है वो क्षेत्र की जनता है वो अपने लोगों पर नहीं पड़ने देगी और इसको देखते हुए लोगों ने यह तय किया है कि इस स्थान पर यह प्लांट नहीं लगने दिया जाएगा और इसके लिए सभी लोगों ने एक राय होकर किसी भी पार्टी या राजनीतिक जो भी अपने मंच है उनको भूलकर सब लोग एक मंच पर एक साथ होकर इसका विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह मानता हूँ कि यह प्लांट नहीं लगेगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।